हेलो एवरीवन, आज हम एक नए और बेहतरीन करियर पाथ के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपका ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स एक काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे आप एक बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट या फिर फाइनेंस एनालिसिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि आज के इस डिजिटल एरा में सबसे ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट या फिर फाइनेंस एनालिसिस्ट जो होते हैं उनकी काफ़ी डिमांड है, और इसके लिए जो क्वैट एग्ज़ाम यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है उसके बारे में भी हम लोग ए टू जेड चीज़ें जानने वाले हैं। और साथ ही में हम लोग इनके कॉलेज यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के बारे में भी काफ़ी डिटेल में जानने वाले हैं। सो व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नया और बेहतरीन आज आपके लिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। डेटा साइंटिस्ट है ना एक एक्सपर्ट जो डिजिटल या फिर कंप्यूटर डेटा में आने वाले टेक्निकल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली सॉल्व कर सके, ताकि कंप्यूटर या फिर उस रिलेटेड जो भी डिजिटल डिवाइसेस हो वो स्मूथली वर्क कर सके। अब वहीं अगर हम फाइनेंस एनालिसिस्ट की बात करें तो फाइनेंस एनालिसिस्ट का काम रहता है कंपनी में जितने भी फाइनेंस रिलेटेड ऑपरेशंस हो वो स्मूथली कैरी आउट करना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप फ्यूचर में एक बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट बने या फिर एक इकोनॉमिस्ट या फिर फाइनेंस एनालिसिस्ट बने, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज में। आप भी ये जो इंस्टीट्यूट है वो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है अपने क्वालिटी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए, जहाँ पे आप बीएससी इन एक्चुरियल साइंस या फिर क्वांटिटेटिव फाइनेंस में आगे अपना फ्यूचर कर सकते हैं, या आप इसमें एमएससी भी कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल हैव अ डिग्री विच इज़ कन्फर्ड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी। अब मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर एशिया में ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है। तो जाहिर सी बात है आपको एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन में से डिग्री मिलने वाली है। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे ट्वेल्थ के बाद एडमिशन लेते हैं तो आपको बीएससी के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक्चुरियल साइंस यानी कि मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आपको डेटा साइंस और क्वांटिटेटिव फाइनेंस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। अब ये सब पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप फ्यूचर में एक बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट तो बनोगे ही, साथ ही में फाइनेंस एनालिस्ट भी बनोगे, जिसके फ़ायदे मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ। तो अगर आप भी सोच रहे हैं एक चैलेंजिंग फील्ड में जाने का, तो आपको ट्वेल्थ के बाद देनी पड़ेगी क्वैट प्री एग्ज़ाम। तो चलिए इस एग्ज़ाम के बारे में ए टू जेड चीज़ें जानते हैं। क्वैट यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज़ द्वारा लिया जाता है अपने बीएससी रिलेटेड डिग्री कोर्सेज के लिए। अब ये एग्ज़ाम जो है वो 11 प्लस 12th के सिलेबस पे डिपेंड रहेगा, यानी कि आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पे 70% का पूछा जाएगा और रिमेनिंग 30% आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो टोटल जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा, जहाँ पे 30 क्वेश्चंस 2 मार्क्स कैरी करेंगे और रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस 1 मार्क कैरी करेंगे। ऐसे आपका 70 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा, जो कि आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स में सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 25% का नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी रखा गया है, यानी कि आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं तो आपका 1 मार्क यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। और अगर हम पासिंग की बात करें तो यहाँ पे 50% का आपका पासिंग रहेगा। और इसमें एग्जाम फीस की अगर हम बात करें तो आपका 1000 रुपीज का एग्जाम फी रहने वाला है। अब इस एग्ज़ाम को अच्छे से समझने के लिए आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, चाहे सिलेबस हो या फिर एग्ज़ाम प्रैक्टिस को लेके हो, तो वो आपको लिंक्स ज़रूर देखने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आपको क्वैट एग्ज़ाम देना है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास और एक एग्ज़ाम रहता है जिसका नाम है ACET। अब ACET इस एग्ज़ाम के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में और डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकन भी दबा के रखें, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स तुरंत मिलती रहे। अब गाइज, हम बात करते हैं यहाँ के प्लेसमेंट की और यहाँ पे किस टाइप की कंपनियाँ आपको हायर करने आती है।
सो जनरली हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे 4 to 10 lakh तक का सैलरी आसानी से मिल जाता है, और कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए वर्ल्ड क्लास कंपनी एक्सपोजर मिलेगा, चाहे सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरर हो, या फिर सर्विस रिलेटेड कंपनी हो, यानी कि जाहिर सी बात है बस डेटा साइंटिस्ट हो या फिर फिनांस एनालिटिक्स हो, तो हर टाइप के कंपनी में इन सब की ज़रूरत होती ही है। और इस कोर्स का और एक सबसे ज़्यादा फायदा होता है, अगर आपका एम है फ्यूचर में CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर CS यानी कि कंपनी सेक्रेटेरिएट बनने का, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए 100% का हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे और एक ज़बरदस्त एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।